अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन की बिरयानी। आप चाहें तो इसे पुलाव भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। बाजी, जो चावल उबाल कर बनाते हैं वो तो बिरयानी होती है, ये बात सही है, लेकिन ये नहीं कि आप हमारी जो हम बिरयानी बता रहे हैं ये तरीके से वेजिटेबल बिरयानी भी कह सकते हैं आप सोयाबीन की। तो आप इसको जो भी चाहें कहें, लेकिन हमारे कहने से इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, फिर आप उसके बाद अपने घर में जो भी इसका नाम रखें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ली है सोयाबीन। सोयाबीन जो ली है आप देख सकते हैं, जो लोग गोश्त नहीं खाते हैं उनके लिए ये वेज गोश्त कह सकते हैं इसको, एक तरीके से होते हैं इसमें जो प्रोटीन विटामिन होते हैं इसमें, तो वो गोश्त के बराबर ही होते हैं, और जायके में ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी होती है। इसकी आप सब्जी बनाएं या इसकी कोई बिरयानी या पुलाव जो भी बनाएं। तो ये हमने 150 ग्राम लिए थे, इसको हमने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। आप इसे 15 मिनट पहले भी भिगो सकते हैं, लेकिन गर्म पानी में, आधे घंटे में ही ठंडे पानी में ही भीग के हमने इनको निचोड़ कर रख लिया है। साथ ही हमने लिए हैं एक कटोरी चावल। चावल का जो मेजरमेंट किया है हमने वो एक कटोरी से किया है, हम आपको दिखाते हैं। तो ये कटोरी हमने ली है, इससे जो हमने कटोरी ली है हमने एक कटोरी चावल लिए हैं, तो पानी भी हम इसी से डालेंगे। 2 मीडियम साइज के आलू हमने काट लिए हैं, जो कि चंदे की तरह काटे हैं, देख सकते हैं आप आलू। और हमने आधा कप लिया है मटर। हमने 1 टेबल स्पून लिया है पुदीने की पत्ती, और 1 टेबल स्पून लिया हमने धनिए की पत्ती, तो वो हमने काट के रख ली है हल्की। 2 हमने लिए हैं तेज पात के पत्ते, 4 हरी इलायची और 4 हमने लिए हैं लौंग। 7 से 8 हमने लिए हैं हरी मिर्च। 1 मीडियम साइज का प्याज हमने काट लिया है। 1 टेबल स्पून हमने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 चुटकी कह सकते हैं हमने लिया है फूड कलर। इसमें हम केवड़ा भी डालेंगे जो कि हम बाद में लेंगे। 1/2 टीस्पून हमने लिया है गरम मसाला। 1/2 टीस्पून लिया हमने लाल मिर्च, और यह है 1 धनिया, और सौंफ की खुशबू हमें चाहिए अपने पुलाव के अंदर यानी बिरयानी के अंदर सोयाबीन की, तो उसमें हमने दी है 1 टेबल स्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून धनिया। और इसमें हमने डाल दिए हैं 2 से 3 सिनेमन स्टिक के टुकड़े, छोटे टुकड़ों में डाल दिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें उबलने रखेंगे पानी के साथ। तो सबसे पहले हमने एक जो कटोरी हमने आपको दिखाई थी अपने चावलों के मेजरमेंट की, हमने इससे एक कटोरी पानी रख दिया है। इसमें डाल देंगे हम सौंफ धनिया, और पानी में उबाल आ रहे हैं तो हम इसको कर देंगे कवर। इसको कवर कर देंगे हम, और 2 मिनट उबालने के बाद इसको हम एक साइड रख देंगे। तो पानी हमने उबलने के लिए दूसरी गैस पर रख दिया है, 2 मिनट बाद हम गैस को बंद कर देंगे। साथ ही हमने एक कुकर रख लिया है, कुकर में हमने 1/2 कप जो है वेजिटेबल ऑयल डाल लिया है। आप जो तेल खाते हो वो तेल आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें डाल देंगे तेल में हम तेज पात के पत्ते। डालने के बाद इसमें डाल देंगे हम लौंग और इलायची। लौंग इलायची डालने के बाद जब वो चटकने लगे तो इसमें डाल देंगे हम प्याज। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसमें डाल देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद इसमें डाल देंगे हम सोयाबीन जो हमने पानी में से निचोड़ कर रखी है। इसमें डाल देंगे मटर, आलू, और इसको हम अच्छी तरह से चला लेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसको इसी तरीके से भून लेंगे तेज हीट पे अच्छी तरह से। 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद इसमें डाल देंगे हम लाल मिर्च और गरम मसाला, हरी मिर्च। हरी मिर्च हमने साबुत ली है, और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे हम सब्जियों के साथ। अगर यहाँ पर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर मिर्ची बढ़ा सकते हैं। गरम मसाला और मिर्ची डालने के बाद हमने इसको भून लिया है 1/2 मिनट और। अब इसमें डाल देंगे हम 1 कटोरी पानी। पानी अभी 1 कटोरी हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि 1 कटोरी पानी हमने उबलने के लिए रख दिया है। ये है वो पानी जो हमने उबाल कर रखा था सौंफ धनिए का। अब इसको छन्नी से छान कर इसमें डाल देंगे हम 1 कटोरी 2 कटोरी पानी हम इसमें डाल चुके हैं। पानी में हमारे उबाल आ चुका है, इसमें डाल देंगे हम चावल, और इसको हम सोयाबीन की बड़ियां और आलू के साथ अच्छी तरह मिला देंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे हम नमक 1.5 टीस्पून। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डाल दें। मिला दें इसको अच्छी तरह नमक, ताकि अच्छी तरह सब्जियों में और चावलों में नमक मिल जाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चावल को इस तरीके से कवर कर देंगे हम, इसको पूरा बंद नहीं करेंगे, और गैस की हीट को कर देंगे हम मीडियम। मीडियम हीट पे हम इसको पकने देंगे जब तक कि पानी थोड़ा खुशक नहीं हो जाता। तो देखें, हमने इसको 3 से 4 मिनट पकने दिया था मीडियम हीट पे,
और हमारे चावलों का पानी काफी खुशक हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें सुराख सुराख से भी हो गए हैं। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए पानी इसमें बहुत कम रह गया है, लेकिन हमारे चावलों को डाल देंगे धनिया और पुदीने के पत्ते। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसको कर देंगे बिल्कुल कवर, बिल्कुल बंद कर देंगे इसको हम ढक्कन को, और इसको गैस की हीट को कर देंगे हम मीडियम लो। जो हम चावल हमने पकने के लिए रखे हैं उसको हमें प्रेशर आने देना है कुकर के अंदर। पहले हम इसको 2 से 2 मिनट इसे रखेंगे मीडियम लो हीट पे, उसके बाद हीट को कर देंगे बिल्कुल लो, और प्रेशर आने इसमें विसिल आने से पहले हम इसको कर देंगे बंद। फिर दिखाते हैं आपको, हमने इसको मीडियम लो हीट पे पकाया था, उसके बाद अपनी हीट को कर दिया था बिल्कुल लो। हमने 3 से 4 मिनट इसको हमने फिर लो हीट पे रखकर, जब इसमें फुल प्रेशर बन गया तो हमने इसको बंद कर दिया। अभी देखिए हमने फिर इसके प्रेशर में ही छोड़ दिया था। ये दम देने का एक तरीका होता है कुकर में, जो हम हमेशा इसी तरीके से देते हैं, चावल इसे बहुत अच्छे बनते हैं। तो कुकर हमारा ठंडा हो चुका है, प्रेशर पूरा खत्म हो चुका है, अब इसे हम खोलते हैं। तो जो हमारा फूड कलर था, हमने उसमें 2 टेबल स्पून डाल लिया है केवड़ा, केवड़ा वाटर, तो वो हमने इसमें डाल लिया है। अब इसको हम खोलते हैं कुकर को। तो देखिए हमारी बिरयानी बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है, तो इसमें डाल देंगे हम ये फूड कलर। एक लेंगे हम प्लेट और करछी लेकर उसको नीचे से ले जाते हुए इस तरीके से चावलों को हम प्लेट में निकाल लेंगे। एक एक दाना आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल खिल चुका है, और खुशबू का तो इसका कोई जवाब ही नहीं है जो इस वक्त पे इसमें यहाँ पर आ रही है। तो देखिए तैयार है हमारी सोयाबीन की बिरयानी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है ये, और खासकर बच्चों को तो बेहद पसंद आती है। सोयाबीन सब जानते हैं लेडीज के लिए कितनी फायदेमंद होती है ये, तो हर चीज इसमें इतनी सेहतमंद पड़ी हुई है कि आप अपने घर में जब अपने बच्चों को बनाएंगे खिलाएंगे तो आपको बेहद खुशी होगी। साथ ही जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए ये वेजिटेबल वेज गोश्त है एक तरीके से। जैसा कि सोयाबीन जो है हम बता चुके हैं, बहुत अच्छी रेसिपी, बहुत अच्छी चीज होती है सोयाबीन, तो इसका भरपूर जायका भरपूर टेस्ट बनाए इस रेसिपी के साथ। और हमें अपनी दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, अपना फीडबैक दें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, साथ ही लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।